आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग को जद्दा का व्यू दिखाने वाली हूँ। सडनली हम लोग सुबह सुबह 6 बजे मेरे भाई को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे थे, तो सुबह 6 बजे का आप ये माहौल देख सकते हैं, वेदर देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वेदर था, बट अंधेरा था और कोई रोशनी भी नहीं थी कि हाँ सन निकल गया है कि रोशनी आ गई है। मोस्टली तो ये वॉकिंग का टाइम होता है और लोग वॉक करते हैं इस टाइम सुबह सुबह 6 बजे, बट यहाँ पे तो इतना अंधेरा था जैसे बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से आया हुआ ये वेदर था, पता नहीं क्यों आया, बट हम मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने, मेरे बच्चों ने, सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया इसे और खूब मज़ा भी आया। बट यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड जब ड्राइव कर रहे थे कार, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि सामने बहुत ही ज़्यादा ब्लर था, कुछ दिख नहीं रहा था और ओस इतनी ज़्यादा गिर रही थी और धुआं इतना ज़्यादा था वाइट कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आप अगर कैमरे में अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सच में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड बार बार वाइपर चला रहे थे सामने कुछ नज़र आ जाए, और इंडिकेटर भी चालू था हालांकि, और पुलिस भी जगह जगह खड़ी थी आप देख सकते हैं कि, और हर किसी की स्पीड बहुत कम थी, बहुत ही स्लो थी। बट पता नहीं क्यों इतना, मतलब अच्छा लग रहा था ये वेदर, बट बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला वेदर था ये, कि क्योंकि अंधेरा था और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने, मेरे बच्चों ने खासतौर से बहुत इन्जॉय किया इस वेदर को, क्योंकि उनके लिए ये फर्स्ट टाइम था मेरे बच्चों के लिए कि उनको ऐसा फॉग नज़र आए कि है क्या मम्मा डैडा व्हाट इज दिस, क्या दिख रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा था। फिर उनको हम लोग ने बताया कि ये फॉग है। हम लोग अब जब वापस हो रहे थे एयरपोर्ट में अपने भाई को छोड़कर, तब आप देख सकते हैं कि मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे उसके मामू जान से बहुत ज़्यादा प्यार है तो वो उसके लिए रो रहा है, और बड़े वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो फुल इंजॉय कर रहा था। फिर हम लोग ने उसे काफ़ी समझाया छोटे वाले को कि बेटा वो तो चले गए हैं करके, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मान गया। थोड़ी देर बाद वो शांत भी हो गया और वेदर, फिर बाहर का जो वेदर था वो माशाल्लाह खूब अच्छे से इंजॉय भी करने लगा वो। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये वेदर है वो सुबह के 8 बजे का है। जद्दा में ये फॉग पहली बार देखा गया है और मेरी लाइफ, मैंने भी पहली बार ही जद्दा में फॉग देखा, अभी तक तो मुझे देखने को मौका ही नहीं मिला, फर्स्ट टाइम मैंने फॉग देखा था। और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा व्यू था, ऐसा लग रहा था जैसे हम तैफ में हों। अगर जो सऊदी में रहते हो जानते हैं कि स्पेशली लोग इस मौसम को इंजॉय करने के लिए तैफ जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जद्दा में रहकर ही इस वेदर को इंजॉय किया है और मेरे बच्चों ने भी इंजॉय किया है माशाल्लाह से। ये वेदर बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चों को और मुझे भी खासतौर से, मुझे पता नहीं क्यों मुझे नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी मेरा ये वीडियो, ये वेदर सब अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और फिर कुछ अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी जगह पे आप लोग को विज़िट कराऊँगी सऊदी की। इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानल्लाह, तब तक बाय बाय।